सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशह की शान से। स्थान सरहिंद शहर पंजाब इंडिया। समय 25 से 28 दिसंबर 1705 ईस्वी। ये वो ही दिन है जब आज से लगभग 313 साल पहले सरहिंद नाम के इस शहर में गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे मासूम बेगुनाह पुत्रों को बिना किसी जुर्म के दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। दीवार में चिने जाने से पहले उन दो बच्चों को माता गुजरी जी के साथ ठंडे बुर्ज में रखा गया था। उत्तरी भारत के इस शहर में दिसंबर महीने की वो ठंडी रातें कई दिनों से ना कुछ खाया ना पिया, छोटी उम्रे मासूम बच्चे, कहर का जुल्म। अल्लाह यार खान जोगी इस समय का बयान अपनी कविता में करते हैं। वो लिखते हैं, कैदे बला में तीसरा दिन था जनाब को, बेआब कर चुकी थी आतश हर गुलाब को, तरसे हुए थे रिज़्क को जी और खाब को, इस रोज सुच्चा नंद ये बोला नवाब को, मंगवा के कलगीधर के पिसर इंतकाम लो, मासूम इन्हें समझ के दया से न काम लो। ठंडा बुर्ज सरहिंद किले का ही एक भाग था। यह एक मीनार जैसी ऊंची इमारत थी। बच्चों ने और माता गुजरी जी ने दिसंबर महीने की ये ठंडी रातें इसी बुर्ज में गुजारी थी और सुबह बच्चों को कचहरी में पेश किया जाता था। उन बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए काफ़ी लालच दिए गए। बच्चों का जवाब हमेशा ना ही था। गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल कभी झुक नहीं सकते थे। जिस तरह से वो सरहिंद का नवाब बच्चों को डराता धमकाता और लालच देता था, अल्लाह यार खां जोगी उसका बयान अपनी कविता में करते हैं। वो लिखते हैं, नाजिम की बात बात पे रुकने लगी जबां, नाजिम की बात बात पे रुकने लगी जबां, खुद को संभाल करके वो कहने लगा कि हाँ 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 हो मौत के या तुम्हें चाहिए अमां, बतलाओ साफ साफ अब ए आली खानदा, इस दम करो कबूल अगर शाह के दीन को, फिर आसमां बना दूं तुम्हारी जमीन को। लेकिन साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के लालों पर उन लालच और धमकियों का कोई असर न था। आखिर 13 पौष 28 दिसंबर 1705 ईस्वी को दोनों मासूम निर्दोष बेगुनाह बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। मानवता देश धर्म की रक्षा पर दो और लालों का बलिदान हो गया। अल्लाह यार खान जी का कथन है, ठोड़ी तक ईंटें चुन दी गई, मुंह तक आ गईं, बीनी को डांपते ही वो आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबीन को गनसा लगा गईं, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गईं। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहिंद शहर की ईंटों का ढेर थी। इस घटना के कुछ समय पश्चात बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने सरहिंद शहर की ईंट से ईंट बजा दी, मुगलों के क्रूर व दुष्ट राज का अंत कर दिया। मैथिली शरण गुप्त अपनी एक कविता में लिखते हैं, जिस कुल जाति कौम के बच्चे यूं करते हैं बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो परंतु भविष्य है महान। अगर हम हमारे देश के बच्चों को इस तरह की गाथाएं सुनाएं तो निश्चय ही हमारी आने वाली पीढ़ियां साहसी शूरवीर व सच के रास्ते पर चलने वाली बनेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें।